भारत ने अगले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 500 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। अतिरिक्त विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने देश को विश्व व्यापार के बारे में नए सिरे से सोचने का सबक सिखाया है। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ट्रेड द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए अतिरिक्त विदेश व्यापार महानिदेशक ने कहा कि दिसंबर 2021 में निर्यात 37.8 अरब डॉलर रहा है। उनका कहना है कि चालू वित्त वर्ष में हम 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य छूने को तैयार हैं। पहले 9 महीनों में देश का निर्यात 301.38 अरब डॉलर रहा है। उनका कहना है कि भारत का लक्ष्य 2027 तक 1000 अरब डॉलर के निर्यात का है। उन्होंने कहा है कि आशंका थी कि कोविड-19 के कारण विदेश व्यापार में तेजी से गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि महामारी ने हमें विश्व व्यापार के बारे में नए सिरे से सोचने को लेकर तैयार किया है। उनका कहना है कि इंटरनेशनल ट्रेड का आधार अब यूरोप और अमेरिका से शिफ्ट होकर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हो गया है। पूरी दुनिया अब मल्टीलेटरल ट्रेड की जगह बाइलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट की तरफ शिफ्ट हो रही है। भारत इस समय 6 नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ट्रेड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का अहम योगदान होगा। बहुत जल्द MSMEs के लिए अलग से पोर्टल भी शुरू की जाएगी। इधर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत अब केवल एक समूह में शामिल होने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि देश अब पारंपरिक पहुंच, अच्छी बाजार स्थितियों और माल एवं सेवाओं दोनों में निष्पक्ष व्यापार माहौल की तरफ देख रहा है। पीयूष गोयल ने कहा है कि FTA दो तरफा यातायात है और उद्योग को जोखिम लेने के लिए क्षमता बढ़ानी चाहिए। ये समझौते अकेले भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक तरफा पहुँच नहीं दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत ने जब संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ इस तरह के समझौते के लिए बातचीत शुरू की है और कनाडा और GCC खाड़ी सहयोग परिषद के साथ बातचीत शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।